नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे अनिल हेगड़े के बारे में। बिहार में इन दिनों चुनाव को लेकर सियासत तेज है। आपको बता दें कि बिहार में इन दिनों राज्यसभा के उपचुनाव को लेकर और चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज है। बिहार में 5 सीटों पर राज्यसभा का चुनाव होना है और 1 सीट पर राज्यसभा के लिए उपचुनाव होना है। जिस सीट पर उपचुनाव होना है वह महेंद्र प्रसाद यानी कि किंग महेंद्र की सीट है। बता दें कि किंग महेंद्र की मृत्यु के बाद से यह सीट खाली हुई है। अब इस सीट पर जदयू ने अनिल हेगड़े पर भरोसा जताया है। आपको बता दें कि इससे पहले इस सीट के लिए कई नाम मीडिया में चल रहे थे, जिसमें से एक नाम केसी त्यागी का भी रहा, लेकिन पार्टी ने आखिरी दौर में एक तरह से कह लें कि एक ऐसे कार्यकर्ता को टिक कर दिया जो कि पार्टी में रहते हुए किसी पद की इच्छा नहीं रखा। ऐसे में पार्टी की तरफ से राज्यसभा चुनाव में उनका नाम प्रस्तावित किया गया है। बता दें कि इस सीट के लिए 30 मई को चुनाव होना है। ऐसे में आपके दिमाग में चल रहा होगा कि आखिर ये अनिल हेगड़े हैं कौन जिन्हें जदयू ने राज्यसभा का टिकट दिया है। सबसे पहले तो अनिल हेगड़े के नाम से ही लोगों के दिमाग में यह चल रहा होगा कि यह बिहार का रहने वाला नहीं है, फिर भी जदयू की तरफ से टिकट क्यों दिया गया। आपको बता दें कि अनिल हेगड़े कर्नाटक के मैंगलोर के रहने वाले हैं और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के काफ़ी करीबी माने जाते हैं। अनिल हेगड़े का पार्टी में अलग ही पहचान है। उनके बारे में यह भी बताया जाता है कि वे बहुत ही विनम्र और संगठनात्मक व्यक्ति हैं। बता दें कि पार्टी के साथ साथ लंबे समय से जुड़े रहे हैं। वर्तमान में वे पटना में रह रहे हैं और पार्टी को मजबूती देने के लिए काम कर रहे हैं। बता दें कि जब पार्टी में शरद यादव और नीतीश कुमार के बीच में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था तो उस समय अनिल हेगड़े ने नीतीश कुमार का साथ दिया। आज नीतीश कुमार पार्टी में जदयू के राष्ट्रीय चुनाव अधिकारी के रूप में कार्य कर रहे हैं। बता दें कि अनिल हेगड़े का राज्यसभा कार्यकाल अप्रैल 2024 तक चलने वाला है। अनिल हेगड़े के बारे में यह भी बताया जाता है कि अनिल हेगड़े 38 साल तक 24 घंटे तक पार्टी के लिए अनवरत काम करते रहे। अनिल हेगड़े ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि खुशी है कि पार्टी के कार्यकर्ता का मौका मिला है, सम्मान दिया है। मैंने पूरी ज़िंदगी में कभी कोई पद नहीं मांगा। पिछले 6 साल से पार्टी का नेशनल रिटर्निंग ऑफिसर हूँ। मैंने कभी नहीं कहा कि पद दीजिए, वे बनाइए, वो बनाइए। मुझे लगता है कि इससे हर कार्यकर्ता को उत्साह बढ़ेगा। इस दौरान उन्होंने यह भी कहा कि मैं कर्नाटक के पूर्वी जिला कुडापुर तालुका का रहने वाला हूं, एक किसान परिवार से आता हूं। मैं 1983-84 में राजनीति में हूं। वैसे उस जमाने में पार्टी का नाम जनता पार्टी होता था, जो बाद में वही पार्टी जनता दल बन गई। उस जनता दल से हम लोग मुख्यमंत्री जिसका नाम उन्होंने नीतीश कुमार का जिक्र किया है, इसमें उन्होंने कहा कि जॉर्ज फर्नांडिस के साथ हम लोग अलग होकर समता पार्टी बनाए और यही पार्टी आगे चलकर जनता दल यूनाइटेड बन गई। एबीपी न्यूज़ से बात करते हुए हेगड़े ने बताया कि शुरुआती दिनों में हम चंद्रशेखर जी जो कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे उनसे प्रभावित थे, जॉर्ज फर्नांडिस से प्रभावित थे। उन दिनों हम पार्टी में ट्रेनिंग कैंपेन करते थे। चंद्रशेखर जी अपनी भारत यात्रा केंद्र में हम लोग उसको प्रशिक्षण शिविर लगाते थे। जॉर्ज फर्नांडिस जैसे लोग रिसोर्स पर्सन होते थे। मधुर दंडवते, रवि राय, सुरेंद्र मोहन, किशन पटनायक भी आते थे। उन्होंने आंदोलन शुरू किया जो कि डंकल प्रस्ताव हस्ताक्षर को रोकने के लिए शुरुआत किया था। उन्होंने आगे बोलते हुए कहा कि इस आंदोलन में हर रोज पार्लियामेंट्री स्ट्रीट थाने में गिरफ्तारी हुई। यह जिम्मेवारी जॉर्ज फर्नांडिस ने मुझे दिया था और उनके कम से कम 4000 बार गिरफ्तारी हमने दिया। एक बार 15 दिन बाद इसी आंदोलन में तिहाड़ जेल में थे। यह आंदोलन शुरू हुआ तो उसके 8वें दिन दिल्ली के पत्रकार लोग भी गिरफ्तारी दिए। इस आंदोलन के कुछ दिन में 94 में नीतीश कुमार जी के साथ हम लोगों ने समता पार्टी बनाई। नीतीश कुमार के कारण ही जॉर्ज साहब भी पार्टी से अलग हो गए और समता पार्टी बनाई। नीतीश कुमार के करीबी माने जाने वाले अनिल हेगड़े का राज्यसभा जाना लगभग तय माना जा रहा है। इस सीट के लिए 12 मई को अधिसूचना जारी की गई थी। नामांकन दाखिल होने की आखिरी तिथि 19 मई रखी गई है और जबकि मतदान 30 मई को सुबह 9 बजे से शाम के 4 बजे तक होगा और इसी दिन मतों की गिनती भी होगी और इसी दिन यह फाइनल भी हो जाएगा कि कौन राज्यसभा का सदस्य होगा। तो एक तरह से कह लें कि जदयू ने अपने एक ऐसे कार्यकर्ता को टिकट दिया है जिसने निस्वार्थ भाव से पार्टी के लिए अनवरत काम करते रहा। आज जो है पार्टी ने उस व्यक्ति को राज्यसभा का टिकट दिया है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि किंग महेंद्र की इस सीट पर अनिल हेगड़े राज्यसभा के सदस्य होंगे। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।